नमस्कार, बहुत स्वागत। बातन हाथी पाइए बातन हाथी पांव, यानी जबान का खेल, नर्म सी जबान का खेल, जिसके चलते या तो हाथी इनाम में मिल जाएगा या फिर हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया जाएगा। बताएंगे क्यों कह रहे हैं। कल लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग होनी है छत्तीसगढ़ में। बस्तर सीट पर जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। बस्तर वो लोकसभा क्षेत्र जो सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित है, इस लिहाज से सुरक्षा बलों के लिए शांतिपूर्ण जो चुनौती है वो है मतदान करवाना खामोशी से। इस चुनौती से जवान बखूबी निपटेंगे, लेकिन सबके बीच कांकेर में सुरक्षा बलों ने लाल आतंक पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार किया। 29 नक्सलियों का मारा जाना बड़ी कामयाबी है, वो भी वोटिंग से ठीक पहले। लेकिन इस मसले पर सियासत भी हो रही है। मुझे लगता है इसकी बिल्कुल गहन जांच होनी चाहिए और उन सब लोग जो शहीद हुए, हमारे सुरक्षा कर्मी भी कुछ घायल हुए, उन सबको हमारी संवेदनाएं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता द्वारा नक्सलियों को शहीद कहा जाना ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, निंदनीय है। जिस दिन डिपार्टमेंट ने यह बताया था कि 50 नक्सली मारे गए हैं, उसी दिन नक्सलियों ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा था कि 50 हमारे साथी शहीद हुए। ये दोनों का मैच हुआ है। अगर नक्सली फर्जी एनकाउंटर नहीं कह रहे हैं तो ये कैसे फर्जी एनकाउंटर कह रहे हैं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। हमने बात सियासत की। सियासत ऐसी कि कांग्रेस के नेता पहले कुछ और बोलते हैं, फिर अपने बयान से पलट जाते हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने मुठभेड़ को फर्जी बताया, बाद में सुरक्षा बलों की तारीफ की। इसी कड़ी में एक और कांग्रेस नेता का नाम जुड़ गया है, सुप्रिया श्रीनेत। इन्हें आपने कांग्रेस का पक्ष रखते देखा होगा। श्रीनेत ने नक्सलियों को पहले शहीद बताया, फिर मामले के तूल पकड़ने के बाद कहा कि बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। एक तरफ नक्सल प्रभावित इलाके में वोटिंग और दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं के बयान, इन मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन पहले सुप्रिया श्रीनेत का वो बयान जिसे बीजेपी ने जारी किया था, और फिर उनकी सफाई सुन लेते हैं। मुझे लगता है इसकी बिल्कुल गहन जांच होनी चाहिए और उन सब लोग जो शहीद हुए, हमारे सुरक्षा कर्मी भी कुछ घायल हुए, उन सबको हमारी संवेदनाएं हैं और इसमें कोई राजनीति का सवाल ही नहीं है। गुजार हूं आपके सवाल की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की फेक न्यूज फैक्ट्री मेरे बयान को काट छाट कर गलत तरीके से चला रही है। ऐसी हिंसा, ऐसे नक्सलियों के साथ हमारी जरा सी भी सहानुभूति हो सकती है? कांग्रेस वो पार्टी है जिसने अपने दो दो प्रधानमंत्रियों को हिंसा की बलिवेदी चढ़ते हुए देखा। आप किसी की बात को काट छाट के लगा दीजिएगा और मैं उसका जवाब दूंगी। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता द्वारा नक्सलियों को शहीद कहा जाना ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, निंदनीय है। ये मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों को शहीद कहकर कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र पर प्रहार किया है। आज मैंने प्रेस को बताया है सुबह रायपुर में कि जिस दिन डिपार्टमेंट ने यह बताया था कि 50 नक्सली मारे गए हैं, उसी दिन नक्सलियों ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा था कि 50 हमारे साथी शहीद हुए हैं। ये दोनों का मैच हुआ है। अगर नक्सली फर्जी एनकाउंटर नहीं कह रहे हैं तो ये कैसे फर्जी एनकाउंटर कह रहे हैं, मैं तो ये पूछ रहा हूं। और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक और मेहमान का भी हम इंतजार कर रहे हैं और चर्चा का सिलसिला शुरू करते हैं। कल बस्तर में वोटिंग भी होनी है। रवि ग्वालानी साहब कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ग्वालानी साहब का बहुत बहुत स्वागत। इसके अलावा उमेश घोरमोड़े साहब बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। घोरमोड़े साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार वो भी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे भी हम सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले ग्वालानी साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। सुप्रिया श्रीनेत को हमने अभी सुना, उनका बयान भी सुना, सफाई भी सुनी। ये टंग ऑफ स्लिप है या आपके नेताओं के सोचे समझे बयान, इसमें आप भूपेश बघेल साहब को भी ध्यान में रखें, दीपक बैज को भी ध्यान में रखें। जी ललित जी, सबसे पहले तो मैं प्रणाम करूंगा आपके चैनल को, आपके सभी दर्शकों को। देखिए,
कोई अगर नेता का बयान आ रहा है या कोई भी अगर पूरी बातें आ रही है तो उसको पूरे परिप्रेक्ष्य में लिया जाना चाहिए। बीच की एक छोटी सी लाइन निकाल लेना और उसके हिसाब से मतलब निकाल लेने से चीजें बदल जाती है। अगर आप अभी सुप्रिया श्रीनेत जी का बयान सुने या भूपेश बघेल जी का भी अगर आप बयान सुने तो दोनों में अगर आप पूरे बयानों को रिलेट करेंगे तो उनका मतलब कुछ और था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है वो सिर्फ उस पॉइंट को निकाल रही है जो उनके काम का निकल के आ रहा है। आप अगर आज के बयान की मैं पहले बात करता हूं, उन्होंने कहा कि जो शहीद हुए हैं और जो घायल हुए हैं मैं उन सबको प्रणाम करती हूं, उनका संदर्भ था हमारे जवानों से, लेकिन बीजेपी ने क्या कर दिया कि जो शुरू की बात थी उसको उन लोगों ने शहीद शब्द से जोड़ दिया, इंटरप्रिटेशन का उन्होंने एक अलग एंगल निकाल लिया जो निकालना गलत है। दूसरा, भूपेश बघेल साहब ने भी जो बयान दिया था उन्होंने पूर्व में किए हुए घटनाओं के बारे में कहा था, उन्होंने वर्तमान की घटना के बारे में कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसमें भी राजनीति करके कोरिलेट कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भटका रही है, जो वास्तविक जनता के मुद्दे हैं, जो जनता महंगाई से त्रस्त है, जनता को उम्मीद है सिलेंडर कम होगा, महिलाएं बोल रही है हमारे लिए क्या किए, वो सारे मुद्दों से भटका करके सिर्फ बयानबाजी करके एक अलग ऑरा क्रिएट करने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के इस कृत्य की, लोगों को भटकाने की मैं निंदा करता हूं और मैं उनसे फेयर प्ले की उम्मीद करूंगा कि आप आइए, आप मुद्दों पर बात करिए कि आपने जनता के फायदे के क्या काम किए हैं, पिछले 10 साल का अपना रिकॉर्ड पेश करिए कि 10 साल आपकी सरकार रही, डॉलर जो है वो 90 रुपए क्रॉस कर गया है, पेट्रोल 100 रुपए क्रॉस कर गया है, 2 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं मिला। सुप्रिया श्रीनेत के मामले में जितनी वो नाराज है, काम क्यों कर रही है सुप्रिया श्रीनेत के मामले में जितनी वो नाराज है, क्या अदालत भी जा सकती है, चाहे वो श्रीनेत जाए या कांग्रेस की तरफ से जाए? रवि जी, देखिए ललित जी, बात अभी राजनीति पर हो रही है और अगर कल लीगल एंगल पर बातें आएंगी तो निश्चित हमारी पार्टी इस पर विचार करेगी कि क्या हमें लीगल एंगल पर आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन वर्तमान में कल चुनाव है, कल मतदान होने वाला है, एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी इतनी गिरी हुई राजनीति कर रही है, यह साफ हो जाता है कि उनके पास 10 साल में उन्होंने क्या किया वो बताने के लिए कुछ नहीं है, बस बयानों को तरोड़ मरोड़ करके पेश करना ही उनका काम है। जी 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 जी, चलिए उमेश घोरमोड़े साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश घोरमोड़े साहब, आपका रिएक्शन और फिर सवाल रहेगा, प्लीज। देखिए, देश की जनता देख रही है, प्रदेश की जनता देख रही है कि गिरी हुई राजनीति करने का काम कौन कर रहा है, कौन सेना के शौर्य साहस और पराक्रम पर संदेह जाहिर करके शर्मनाक हरकत करने का काम कौन कर रहा है। और बीते 2-3 दिनों से जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं के बयान आ रहे हैं, पहले संदेह व्यक्त करना, आपत्ति व्यक्त करना और उसके बाद अपने ही बयान पर सफाई देना, ये सफाई देने की नौबत क्यों आ रही है? और केवल एक बयान का विषय नहीं है, जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी का बयान निकल करके आता है, जिस प्रकार से हमारे सेना के जवान अपने शौर्य और साहस का परिचय देते हुए 29 नक्सलियों को ढेर कर देते हैं, उसके बाद भूपेश बघेल जी इस पर संदेह व्यक्त करते हैं, जब उनको समझ में आता है कि उनसे गड़बड़ हो गई, वो स्वयं प्रत्याशी है, उसका खामियाजा कहीं उनको ना भुगतना पड़े, अगले दिन वो उस पर सफाई देते घूमते हैं। और इसी के साथ अभी ये कोरिलेशन की बात कर रहे थे बयानों के, तो माननीय भूपेश बघेल जी के बयान के साथ आप अपने प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस जी के बयान को कोरिलेट करिए। जब 29 नक्सली ढेर होते हैं, दीपक बैस साहब का बयान निकल करके आता है, वो सेना के जवान को बधाई देते हैं, शौर्य और साहस की सराहना करते हैं, अगले दिन जब तक भूपेश बघेल साहब सफाई देते घूम रहे थे, दीपक बैस साहब का बयान आता है, वो इस पर संदेह जाहिर करते हैं, वो इस पर प्रमाण मांगते हैं, तो ये किस प्रकार का वक्त कांग्रेस के नेताओं की तरफ से आ रहा है? और जिस प्रकार से कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जी की तरफ, जी 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 पुनीत, दिक्कत दरअसल ये है, ताड़मेटला, मोरपल्ली, तिम्मापुरम और ऐसे कई जो घटनाक्रम है, मैं बहुत ज्यादा याद नहीं कर पा रहा हूं, ये सारे घटनाक्रम जो है ये कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में रहे, सच किसी के पास है नहीं, तो एनकाउंटर पर तो सवाल उठेंगे ना उमेश जी, और ये सब आपके कार्यकाल के हैं। देखिए, जहां तक 16 तारीख की घटना, हाल ही की घटना जिसमें 29 नक्सली ढेर हुए हैं, उसको लेकर के लगातार
सरकार के तरफ से भी, सेना के तरफ से भी और आपके मीडिया के तरफ से भी चीज़ें निकल करके धीरे धीरे सामने आती रही हैं। जो 29 नक्सली हैं वो वर्दीधारी हैं, क्या इस पर ये संदेह व्यक्त कर रहे हैं? जो घायल हुए हैं, जिनको गोली लगी है, एक जांग पर गोली लग करके दूसरे जांग पर पार होते हुए वो दोनों पैर के पार निकल गई है, क्या ये उस पर संदेह व्यक्त कर रहे हैं? वहाँ से जो हथियार SLR AK-47 INSAS-303 जैसे अत्याधुनिक हथियार बरामद किए गए हैं, क्या ये उस पर संदेह व्यक्त कर रहे हैं? और उससे भी महत्वपूर्ण, जो तमाम घटनाक्रम का आप जिक्र कर रहे हैं, उसी टाइम पीरियड पर नक्सली द्वारा एक प्रेस नोट जारी होता है, उसमें वो 50 नक्सलियों के मारे जाने की बात स्वीकार करते हैं। ठीक उसी समय पर पुलिस के तरफ से भी जो बयान निकल करके आते हैं वो भी 50 नक्सलियों को ढेर करे जाने की बात करते हैं। ये दोनों बातें आपस में मैच हो रही है। ये हमारे जवान के शौर्य और साहस के ऊपर, उनके वक्तव्यों पर भरोसा नहीं करेंगे तो और किसके वक्तव्यों पर भरोसा करेंगे? और जो इतिहास रहा है, हमेशा सेना के शौर्य पर साहस उठाना, सर्जिकल स्ट्राइक के कभी सबूत मांगना, और अंत में दो बात, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से पहले भी कांग्रेस के नेताओं के बयान आते रहे हैं, इनके रंजीत रंजन जी ने किस प्रकार का बयान दिया था नक्सलियों को लेकर के छत्तीसगढ़ के अंदर में, वो किसी से छुपा नहीं है। बेचारा बताने का काम किया था, इनके राज बब्बर साहब ने क्रांतिकारी तक बताने का काम किया था। तो ये कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, इतिहास। ठीक है, ठीक है, चलिए मैं रोक रहा हूं आपको। के शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए, कुछ तकनीकी दिक्कत थी। शर्मा साहब का बहुत बहुत स्वागत। शर्मा साहब, लगातार बयान जो एनकाउंटर हुआ उसे लेकर कुछ फिसले से बयान और कुछ बयान और बयान के बाद सफाई, इन सब के बीच शर्मा सर कल बस्तर में मतदान भी होना है, आपका एक क्विक रिएक्शन फिर सवाल रहेगा। देखिए, ये जो बयान हुआ है, पहले तो इसमें नक्सली शब्द का उपयोग नहीं किया, ये स्पष्टीकरण उनका आ रहा है, नक्सली शब्द का उपयोग नहीं किया। लेकिन वहां पे पहले आया था एक बयान भूपेश का कि फर्जी एनकाउंटर, मतलब आम आदिवासी मारे गए थे क्या? तो श्रीनेत्र ने ये कहा कि आप ये जो है, जो लोग मारे गए हैं उनको श्रद्धांजलि की वाली जो बात आई थी, जो लोग मारे गए वो शहीद की बात थे, ये तो क्या लोगों का था? ये पहले तो इस घटना पे एक क्लियर हो चुका है कि ये जो पूरे नक्सली थे, नक्सली वर्दीधारी थे, ये भी स्पष्ट हो चुका है। लेकिन ये जुबान फिसलने को लेकर या ये कहना कि इस घटना के में शहीद होने की जानकारी उनको कहीं से दी गई थी, ये जो तमाम प्रकार के स्पष्टीकरण आए, ये निश्चित रूप से ये राष्ट्रीय प्रवक्ता है और इस तरह से बयानों को लेकर के थोड़ा धैर्य रखकर बयान दिए जाने चाहिए थे। मैं एक इसका जो एक और एंगल था कि कल बस्तर में वोटिंग है, उसके पहले ये बयान, क्या ये नुकसान पहुंचाएंगे? बीजेपी इस बॉल को बहुत बेहतरीन तरीके से खेलती है जी। निश्चित रूप से ये बयान जो है, जो बड़ी घटना हुई वो तो नक्सली जिस तरह से मारे गए, एक बड़ी उपलब्धि, बड़ी अचीवमेंट सेना की कही जा सकती, स्थानीय पुलिस की भी कही जा सकती है। लेकिन श्रेय जो है, निश्चित रूप से जो अभी सरकार में है, जो अभी पद में है, उनको श्रेय जाएगा। निश्चित रूप से दोनों जगह पे भाजपा की सरकार है। अब जो कांग्रेस की ओर से जो बात कही जा रही है, उसका क्या दूसरी एंगल से कहीं साफ कारण से भी यदि आप देखें तो नक्सली प्रभावित क्षेत्र में इस बयान का कितना असर होता है, क्या उसको नक्सली किस रूप में स्वीकार करते हैं, क्या वास्तव में उसको शहीद के रूप में या उनके सपोर्ट के रूप में आता है, या उनके प्रभावित वाले क्षेत्र में क्या मतदान की प्रक्रिया आती है, क्या वहां पे लोग जो आ रहे हैं, क्या भाजपा, जैसे भाजपा के नेता की हत्या होती है और भाजपा के नेताओं को लगातार चुनाव प्रचार से रोका जाता है, तो इस घटना के बाद क्या नक्सल प्रभावित क्षेत्र के या उनके जो प्रभाव वाले लोग हैं वो मतदान करने यदि जाते हैं तो वो क्या कांग्रेस को मतदान करेंगे, ये भी एक सवाल है और इसको भी कल देखने वाली बात रहेगी। पर ये समीकरण पर असर डालेगा। रवि ग्वालानी साहब, आपके पास एक सवाल ये कि नक्सलवाद को लेकर क्या कुछ भ्रम या कंफ्यूजन की स्थिति है? मैं वजह आपको बता दे रहा हूं। भूपेश बघेल ने कहा था SRP कल्लूरी, वो तो लगातार एक्टिव रहते थे जब विपक्ष में रहे, SRP कल्लूरी झीरम पार्ट 2 करवाना चाहते हैं। और मेरा ख्याल है 2018 में प्रचंड जनादेश के बाद जब वो आए तो सबसे पहले सदन में वही रिपोर्ट जांच आयोग की उन्होंने ही पढ़ी थी कि SRP कल्लूरी को आयोग ने क्लीन चिट दे दी है। उसके बाद कल्लूरी को EOW जैसा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। कोई कंफ्यूजन है नक्सलवाद को लेकर ग्वालानी साहब? देखिए ललित जी, आपने अच्छा प्रश्न रेस किया है। मैं बताना चाहता हूं कि नक्सलवाद को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी आपने झीरम का जिक्र किया,
मैं कहने ही वाला था कि आज भारतीय जनता पार्टी बयान को इस तरह से तरोड़ मरोड़ के पेश कर रही है। मैं बताना चाहता हूं, अगर नक्सलियों ने सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी के लेवल पर अगर नुकसान किसी का किया है तो कांग्रेस पार्टी का किया है। हमारे शीर्ष नेता शहीद हुए थे, कोई भूल नहीं सकता झीरम का कांड, वो इनके कार्यकाल में हुआ था, उस समय इनके पास कोई शब्द नहीं थे। आज बयानों को तरोड़ मरोड़ करके पेश कर रहे हैं। आप 5 साल का रिकॉर्ड निकालिए पिछला, नक्सली गतिविधियों को हमने कंट्रोल किया। हमारे समय में आप देखिए जितने आदिवासी भाई बहन थे उनको मुख्य धारा में हम लेकर के आए, बंद स्कूल को हमने चालू किया, वहां कृषि गतिविधियों को बढ़ावा मिला, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल को बढ़ावा मिला, सारे काम हमने किए। हमारे समय में नक्सल गतिविधियां बहुत हद तक कंट्रोल में आ गई। आज भारतीय जनता पार्टी बयानों को तरोड़ मरोड़ के पेश कर रही है, काय के लिए? क्योंकि उनको वोट चाहिए और उस वोट को पूरा इनकैश करना चाहते हैं। शर्म आनी चाहिए, मुद्दों से भटका करके कह रहे हैं। आज नक्सलियों का दर्द अगर किसी ने सहा है तो हमने सहा है, हमारे शीर्ष नेतृत्व को उखाड़ दिया था। ये बात रहे हैं कि आज कांग्रेस पार्टी ऐसा कह रही है, शर्म आज भारतीय जनता पार्टी को आनी चाहिए। उमेश जी से जवाब है, कांग्रेस का क्या स्टैंड पर चले गए जी? उमेश जी, जो कल दीपक बैज साहब का जो बयान आया है, दीपक बैज जी का जो बयान निकल करके आया है, उन्होंने जो संदेह व्यक्त किया है उस पर कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड स्पष्ट करे क्या? सेना के शौर्य साहस और पराक्रम पर कांग्रेस सवाल खड़ा कर रही, क्योंकि प्रदेश के अध्यक्ष है माननीय दीपक बैज जी। दूसरा, ये झीरम का जिक्र करना है, झीरम का जिक्र, झीरम से पूरे छत्तीसगढ़ को अपूर्णीय क्षति हुई थी, इससे कहीं कोई इनकार नहीं है और हम सबको वो याद है और बार बार याद आता है, लेकिन क्या माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को वो नहीं कचोटता जो अब तक वो सबूत नहीं निकाल रहे हैं? किस सबूत की वो बात कर रहे थे? और उसके बाद जिस प्रकार का बयान लगातार निकल करके आ रहा है उनको उनका, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने का काम करता है। इस पर कांग्रेस को अपना स्टैंड क्लियर यहां पर करने की आवश्यकता है। रिएक्शन ले लेते हैं। हाँ प्लीज रवि जी, इनके कार्यकाल में झीरम कांड हुआ था कि नहीं? 2011 में इनके समय में के बारे में बता दीजिए साहब, दीपक बैज साहब का क्या स्टैंड है कांग्रेस का? एक मिनट उमेश जी, मुझे बोलने दीजिए। आपके समय में 2011 के समय में एक नक्सली गतिविधि हुई थी, मैं बता रहा हूँ ना, आपके समय में 17 लोगों को मारा गया। प्रदेश की जनता जानना चाहती है ना, आपने संदेह व्यक्त किया है। उमेश जी सुन तो लीजिए, बोलने का मौका तो दीजिए, सुन लीजिए। अरे कल के बयान का जिक्र कर रहा हूं मैं, आप कह रहे हैं ना तोड़ मरोड़ के हम बता रहे हैं, उनका बयान तो एकदम क्लियर कट है। न्यूज 18 में भी चला है उनका बयान, आप उस पर अपना स्पष्टीकरण दे दीजिए। प्रदेश अध्यक्ष का बयान है वो, कांग्रेस का स्टैंड क्या है बताइए। वो सारी चीजें स्पष्ट हुई थी, न्यायिक जांच हुई थी, तो जब उस तरह की चीजें हुई जहां 17 लोगों को मारा गया और बाद में पता चला वो नक्सली नहीं थे, अच्छा, वो ग्रामीण लोग, निकालेंगे तो वो सारी बातें क्यों नहीं आई? कब निकालेंगे? बातें उठ करके निकल के आ रही है तो आप स्पष्टीकरण देना चाहिए ना कि आपके कार्यकाल में हुआ था, आप लोग उस पर राजनीति कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए कि नक्सल में बड़ा दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक तरफ तो आप सेना के पराक्रम, उसके शौर्य, उनके साहस पर संदेह व्यक्त करते हैं और उसके बाद राजनीतिक बहाने बस बनाने का प्रयास करते हैं, बचने का प्रयास करते हैं, अपना स्टैंड क्लियर नहीं करते हैं और लगातार आपके राष्ट्रीय नेता तक इस प्रकार के बयान निकल कर आ रहे हैं, तो कांग्रेस को इस पर अपना जवाब क्लियर करने की आवश्यकता है। ठीक 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 है उमेश जी, मैं रोक रहा हूँ, रवि जी आपको भी रोक रहा हूँ। के शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, थोड़ा देरी से भी वो जुड़े थे। कल वोटिंग होनी है, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात और है इस वोटिंग ट्रेंड में। बस्तर में लोगों का विकल्प, लोगों का जो दिमाग है वो डाइवर्ट हो रहा है नोटा की तरफ। इन सब के बीच ये स्थितियां कि एक एनकाउंटर हुआ है, उस पर सवाल भी उठा दिए गए हैं, सबसे बड़े एनकाउंटर के तौर पर भी इसे बताया जा रहा है कल का वोटिंग पैटर्न। जी शर्मा सर, निश्चित रूप से जो नोटा का इस क्षेत्र में जो आता है उसमें भी क्या नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लोग नोटा का बटन दबाते हैं? लोकतंत्र में जो कांग्रेस और भाजपा दोनों प्रत्याशी है उनके खिलाफ बात जाती है, ये भी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन नोटा का बटन जो राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशी है उनके लिए एक विचारणीय विषय। दूसरा चीज है, इस घटना को लेकर दो बातें आ रही है। कांग्रेस जो बात करी पूरे घटनाक्रम झीरम के लेकर तमाम प्रकार के जो नक्सली घटनाक्रम हुए उसमें और जिसमें कुछ सामान्य आदिवासी भी मारे गए उनको जोड़ के सब बातें आ रही। झीरम कांड का राजनीतिक षड्यंत्र वाला पार्ट तो अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ है। जो न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट है वो राजभवन होते हुए सरकार के पास है, जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट या पुलिस को निर्देश दिए गए, पुलिस को आने के बाद सरकार बदल गई है, सरकार उस पर क्या कार्रवाई करती है? साझा फेलियर है दोनों सरकारों का। झीरम जो है
क्या इसे साझा फेलियर ना माना जाए दोनों सरकारों का? लेकिन अभी निश्चित रूप से उसके राजनीतिक षड्यंत्र के लिए दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते, जनता तक अभी तक क्यों सामने नहीं है? क्या हमारे तंत्र का भी फेलियर है कि हम तक वास्तविकता नहीं सामने आ पा रही है? ये भी आम जनता की ओर से सवाल है। दूसरी चीज ये है कि कल की जो घटना हुई है वो निश्चित रूप से नक्सली मारे गए हैं और सेना की बड़ी उपलब्धि है, उसके लेकर के जो बयान लगातार या फर्जी की बात हो या संदेह व्यक्त करने वाला बयान हो या सही कहे जाने वाला बयान हो, जी, ये घटना इसी से यही सबसे बड़ी बात है और यही वजह है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, वक्त का वक्त इतनी इजाजत हमें दे रहा था और यही वजह है कि मैंने शुरुआत में कहा था कि जबान का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान, और कल भी मैंने कहा था, मैं हमेशा ये कहता रहूंगा, जवानों के मनोबल पर किसी तरह का कोई असर होना नहीं चाहिए जिस मोर्चे पर वो झगड़ रहे हैं। नेटवर्क हम उन्हें दे नहीं पा रहे हैं और अगर उनके साहस के शौर्य पर सवाल उठाएं उससे बुरा कुछ नहीं। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।